नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति परवसर की ग्राम पंचायत खोकर से जो अभी सरपंच का जो इलेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर जो सरपंच यहाँ से रेखा देवी जी यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ राधा देवी जी यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि कर रहे हैं हमारे साथ जगदीश जाट हमारे साथ हैं। तो जगदीश जी जाट पहले उप सरपंच भी रहे, 5 साल के अंदर इन्होंने जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में क्या काम करवाए इनसे बात करेंगे, और पंचायत में कौन सी प्रमुख समस्या है अगर यहाँ की जनता इनके परिवार को यहाँ से राधा देवी जी को यहाँ से मौका देती है तो उसका समाधान करेंगे। तो सर चैनल में स्वागत है आपका। हाँ सर। तो सर जैसे अब यहाँ से अभी जो आपकी मिसेज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत में कौन सी प्रमुख समस्या है अगर यहाँ की जनता उनको मौका देती है तो उसका समाधान होगा? जैसे जो मेन जो कटानी रास्ते हैं जो बंद है उनको भी खुलवाने का वो है, और जो भी जनता की भावना है और हमारे पास जो लेके आएगी समस्या उसका हम लीगल जो होगा उसका हम तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप 5 साल के अंदर पहले उप सरपंच भी रहे, तो आपने 5 साल के अंदर जनता में क्या कौन कौन से काम कराए आपने? हमने पेंशन से लेते वो जो भी जिसे जैसे पहले वो चलते थे पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर के थ्रू, तो उनके जो भी खाते खुलवाने हैं उनको पेंशन में उनको कन्वर्ट करवाने हैं, उनको जो KYC के नॉर्म्स थे उनको पूरे करवाए, उनके साथ जाके मैंने पेंशन दिलवाने का काम किया है जी। तो जैसे पहले भाजपा सरकार ने पिछली बार शिक्षा लागू की थी, उसके बाद में जो अभी कांग्रेस सरकार आने के बाद में पंचायती राज से जो शिक्षा खत्म की थी, तो ये सरकार का सही फैसला है या गलत फैसला? ये मेरे हिसाब से बिल्कुल पंचायत जो इलेक्शन चुनाव है उसमें पढ़े लिखे होना जरूरी है, पढ़े लिखे हो जो कागज का भी अगर समझते नहीं है तो वो फिर राजनीति में थोड़ा सा उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा। तो जैसे पंचायती राज की बात करेंगे तो पूरे भारत देश की जो स्थापना हुई पंचायती राज की वो नागौर से हुई, और ये जो एक धरती है यहाँ की नागौर की आपकी, तो यहीं से पंचायती राज की स्थापना हुई, लेकिन पंचायती राज धीरे धीरे जैसे कमजोर होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? मेन ये अशिक्षित है, लोग समझदार नहीं है, और जो आगे की जो क्या रणनीति जो कुछ मेन जो पढ़े लिखे उन्हीं पर निर्भर है यहाँ की राजनीति, और समझदार कम है जी। तो जैसे आपके यहाँ पे आपके गांव की बात करेंगे या राजस्व गांव है, तो उनके अंदर और कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका आप समाधान कराओगे यहाँ की अगर जनता आपको मौका देती है? मेन रस्तों का है, जो भी कहीं पानी भरा हुआ उनको भी मैं निस्तारण करूँगा, और जो भी मेरे पास जो भी आएगा जो समस्या लेके मेन प्रो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो जैसे अभी सबसे बड़ी जो कोरोना महामारी चल रही थी उसके रहते आपने पंचायत के अंदर कौन सा काम कराया? उसके रहते मैंने यहाँ दुकानदार से 2-3 से वो खाते खुलवा दिए, और पंचायत में राशन की व्यवस्था भी की, जिसको भी 2-5 आज जिसको भी जो गरीब आदमी थे उनको चिन्हित करके वहाँ से लेकर वो अपने हिसाब से काम किया जी। तो जैसे गांव के अंदर सरपंच क्यों बनाया जाता है? सरपंच है गांव का, ग्राम पंचायत है, वहीं उसका निस्तारण हो जाए, इसलिए जो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो उनके किसी प्रकार वहीं समझाइश करके उनका काम हो जाए जी। तो यहाँ की अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, उसमें कोई पक्षपात बिना पक्षपात के बिल्कुल न्याय मिला जी। तो जैसे बात करेंगे भ्रष्टाचार की, तो सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा आप उप सरपंच में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आपको अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल लग पाएगा, उसमें किसी को बक्सा नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। तो यहाँ की जो खोकर की जो जनता है उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये चुनाव जनता का है, जनता अगर मुझे वो सरपंच बना देती है तो मैं इनके हर कदम पे इनके साथ रहूँगा, पहले आगे जनता है पीछे मैं हूँ। तो ये थे हमारे साथ जगदीश जाट जो यहाँ से इनकी मिसेज राधा देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने बताया जो पंचायत के अंदर जो प्रमुख समस्या है अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो उसका समाधान कराएंगे।